बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जल्दी जल्दी थोड़ा मुझे काम है, मैंने निकला एक छोटा सा वीलॉग कर दिया, करता जो मैं निकल रहा फैंटेसी लीग गेम वीक 6 चल रही है। आज के जो मैच हो रहे हैं बड़े कमाल का हो रहा है मैच, आर्सेनल 2 टॉटनहम हॉटस्पर 2, बड़ा कमाल का मैच हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आर्सेनल से अच्छी ज़्यादा टॉटनहम हॉटस्पर खेल रही है। आर्सेनल की ओवरऑल पोजीशन 42-43 चल रही है, उनकी 57-58 चल रही है और दो दो गोल से मैच ड्रॉ जा रहा है। उधर लिवरपूल 3-1 से जीती वेस्टहैम यूनाइटेड से, चेल्सी एस्टन विला से 1-0 से आ रही है। पोचेटिनो बेचारा परेशान है, केड़ा क्लब ज्वाइन कर दिया मैंने, ना गोल करती है, उल्टा गोल ही हार कर सीड कर देते हैं। सिटी आई जो पहले नंबर पर आ गई है, लिवरपूल दूसरे, ब्राइटन तीसरे पे, चौथे पे आ जाएगी, टॉटनहम हॉटस्पर 5वें पे आ सकता। इस सीजन बड़ा कमाल कर रहा है। एक भाई दो टीमें जो है ना, एक ब्राइटन और टॉटनहम हॉटस्पर, बहुत कमाल खेल रही है इस सीजन। आगे कल मैंने मर मरा के जीत ही गई मैच, 1-0 से जीत ही गई। बस किस्मत चली है उस, वो बड़ा कमाल खेल रही है बर्नले, पोल को लग के उनके उनके को। लेकिन एनी वेज ब्रूनो फर्नांडिस ने आखिर गोल कर लीजिए, कसम तोड़ी थी मैंने, जीत गया एनी टाइम को, सुपर सांस मिला उसे, लगा जाके नच्चा होगा जेड़ा मर्जी के होगा, सुपर आज तो जीते। लेकिन इस सीजन जो ये टॉप 5 टीम है ना, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, ब्राइटन, टॉटनहम हॉटस्पर और लिवरपूल, ये कमाल खेल रही है, बहुत ज़बरदस्त खेल रही है। लिवरपूल मुझे लगता है कि सेकेंड पोजिशन लॉस कर जाएगी, ये ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकेगी, क्योंकि मुझे लगता है ये 3-4-5 तक आ जाएगी, क्योंकि इस समय इतना अच्छा नहीं खेल रही है। अभी देखते हैं क्या बनता है, नहीं आओ तो मेरी सजेशन है, तो मुझे व्यूज है, थोड़ी सजेशन क्या मेरे व्यूज है, तो मेरे थॉट है, जो मुझे लगता है सिटी एज यूजर फेवरेट है, वो तो टॉप पे जा रही है। अब आर्सेनल के और सिटी के आगे बड़े बड़े मैच हम देखेंगे, बड़े क्या बनता है, लिवरपूल के बड़े मैच अभी ना आर्सेनल के। अब आर्सेनल ने होम के तरफ सेकेंड ड्रॉ खेल रही है, पहला इसी सीजन फुलम के अंगेज 2-2 से ड्रॉ किया, अब इधर ये टॉटनहम हॉटस्पर गेम का फेज है, 2-2 ड्रॉ किया। आर्सेनल ड्रॉ करती है या हार जाती है, अगर जीतती भी है तो 1-0, 2-0, 3-0 से ज़्यादा नहीं करती, बड़े गोल कर जाए। सिटी है, सिटी टीम के खिलाफ कमाल खेलती है, इतना गोल कर जाती है कि अगर वो पॉइंट टेबल एंड तक आप ही मैच तक बराबर हैं तो गोलों से ही बुनियाद वो पूछ ही जाते हैं। आर्सेनल की सुपर थोड़ी वर्किंग करनी चाहिए। आर्सेनल मिकेल आर्टेटा ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, लास्ट 3 मैचों से ना और रामसेल को नहीं खिला रहा कीपर, और इंतहाई घटिया कीपर है रामसेल, देखा ये जाया को इसे पहले डालना चाहिए था। मैंने गलती से रामसेल ऐड कर दिया, मगर जब ये खिलाएगा 2-4 मैच का पीछे बिठा दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं उपाय उठागा को लेके आऊँ, कायल हाफिज़ को निकालूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कीपर निकालूँ, कन्फ्यूजन चल रही है। माशा कायल हाफिज़ को कमीने को डाला हुआ पहले मैच से, कोई पॉइंट नहीं दिए, 7.5 पे फिर 7.2 पे आ गई फिर मार्ग, इतनी दो आउट होगी। आज खेला 43वें मिनट में आया, तभी इंसान येलो कार्ड दे गया, ना गोल करता है, ना कोई असिस्ट करता है, ना कोई अच्छा गेम पेश करता है, येलो कार्ड हर मैच में देगा, हर दूसरे मैच में येलो कार्ड है पहला दूसरा, इसे तो मैं इस स्पीक से मैं निकाल दूंगा, मैंने कन्फर्म मैंने इस स्पीक से निकाल दिया है। मैं माइंड अप उपाय साका को लेके आऊँ या लुइस दियाज या मोहम्मद सलाह में से किसी एक को लेके आऊँ। मोहम्मद सलाह के तो पैसे में बात थोड़े कम पड़ेंगे, अगर मैं रैशफोर्ड को भी निकाल दूँ, मोहम्मद सलाह जो मेरा अमाउंट पीछे पड़ी है और रैशफोर्ड को निकालने से अगर उसके अमाउंट जो फर्क आता है 3 पैसे का, यानी 3 रुपये का। एनी वे देखता हूँ, लेकिन मैं लिवरपूल का सोच रहा हूँ डालने के बाद, या उपाय साहब, उपाय साहब का बहुत कमाल खेल रहा है, जेम मेडिकल तो मेरा लव करा रहा है, मुझे हर मैच में पॉइंट लिया था, आज भी दो असिस्ट कर रही है। मैंने ज्वालिन अलवरेज को डाला, माशा रोड्रिगो ने रेड कार्ड देख लिया कल, उसे 43 मिनट में उसे बाय कर दिया पेपर, चल तू तो बाहर जा। मैंने कहा ओली वाटकिंस को निकाला, वो तो गोल कर रही है। अब भाई जेड़े प्लेयर हम निकाल दें ना, मैं निकाल दूँ, वो अगले यानी ये मैच में परफॉर्म कर जाते हैं, पता नहीं हम पर होती हैं या उन्हें पता लग जाता है कि मैंने निकाल दिया परफॉर्म कर। और रही बात पाकिस्तान क्रिकेट की, ये जो वीजे का शोर मचा रहे हैं ना कल से कि वीज़ा नहीं आ रहा, पाकिस्तान ने ना चबली खुद मारी। जब आप एशिया कप खेलने गए थे
आपने हाइब्रिड कंडीशन हाइब्रिड एनवायरनमेंट को पढ़ के मैच पाकिस्तान कभी पाकिस्तान आ रही है कभी श्रीलंका जा रही है, कभी पाकिस्तान आ रही है कभी श्रीलंका जा रही है, मोहम्मद साहब की जीरो इंडिया श्रीलंका जाके बैठ गया ना बैठा तो एक दूसरे पता हमने अभी इधर ही खेल खिलाया कोई हमने कहीं ट्रैवल नहीं करना वो टूर्नामेंट जीत गया। आपने पाकिस्तान को कभी बाम वाले किसी भी ने कभी पाकिस्तान बुला रहे खिलाने के लिए कभी उधर भेज रहे हैं कभी इधर लेकर आ रहे हैं तो भाई परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होनी थी। और दूसरा आप अगर आपने इंडियन बोर्ड भी कहता है कि अगर आपने वीजे का अप्लाई करना था आपने तो उस टाइम अभी परफॉर्मेंस फिलअप भी नहीं करेंगे हर प्लेयर का अब हमें एशिया कप में फिलअप हो रही अभी तक आपको वीजा इशू हो जाता आपने आपने हम एशिया कप की बात करेंगे आपने जो वर्ल्ड कप स्कॉट अनाउंस करने के बाद आपने वर्ल्ड कप स्कॉट 22 या 23 को अनाउंस किया आपने वर्ल्ड कप का स्कॉट और आप फिर 23 को डाल रहे हैं वीजा 22 की यानी 22 उड़ा रहे हैं 23 उड़ा रहे हैं और फिर आप शोर भी मचा रहे हैं कि हमें वो वीजा नहीं दे रहा। अबे एक दिन में थोड़ी हो जाता है दो दिन तो प्रोसेस लगते हैं ना एवी मीडिया में हाइप क्रिएट करते ना पकड़े हमें वीजा नहीं मिलता वीजा नहीं दे रहे भाई तुम्हें वीजा मिल जाएगा इंडिया नहीं मिलेगा तो आईसीसी दबा देगा तुम्हें डंडी रोने जाने की जरूरत नहीं है तुम अभी परफॉर्मेंस पर फोकस करो जो करना है अब ये वर्ल्ड कप के अंदर ना परफॉर्म कर लेना इतना शोर मचाने से वीजे इतना ज़्यादा शोर मचाने से बेहतर था कि तुम टीम के लड़कों को खेलते ये परफॉर्म करो बाबर राम साहब की कमजोरी दूर करो जो आप स्पिनर नहीं खेल सकते कोई स्विंग बॉलर आ जाए आप नहीं खेल सकते सबको कहते परफॉर्म करें भाई प्रैक्टिस सेशन करें। एनीवेज कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर 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 अपने कमेंट में सजेशन दीजिएगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।